रुक करेंगे संभल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को गैस टैंकर ने टक्कर मार दी है। संभल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां हादसे में एक बच्चे की मौत और करीब 12 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को एक गैस टैंकर ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, तो वहीं करीब 12 श्रद्धालु उसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल, सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई की हालत डॉक्टर्स की तरफ से नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं गुन्नौर थाना क्षेत्र के एनएच धनीपुर गांव का ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ा हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो को गैस टैंकर ने टक्कर मार दी, जिस वजह से इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई। तो वहीं 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, गंभीर चोटें आई हैं उनको, जिसके लिए तत्काल रूप से उन सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की तरफ से कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि सभी का इलाज फिलहाल जारी है। तो ये बड़ा सड़क हादसा संभल में हो गया है, जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। बेहद ही ज्यादा भयानक ये हादसा, जहां श्रद्धालुओं से एक भरी बोलेरो को गैस टैंकर ने टक्कर मार दी, और जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों को इसमें गंभीर चोटें भी आई हैं। 12 लोग इसमें करीब घायल बताए जा रहे हैं। 12 श्रद्धालु हैं जो जा रहे थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि गैस टैंकर ने टक्कर मार दी, और जिसके बाद इन सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से इन सभी घायलों की मरहम पट्टी की जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। वहीं खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। सतीश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? 12 घायल हुए हैं, बड़ा हादसा हो गया है। जी बता दो, जनपद संभल गुन्नौर थाना क्षेत्र के नीमपुर का घटना है। यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी जा रही थी, गैस टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। ये गर्दन से करीब ऊपर ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। पुलिस चलाकर उन्हें बचाया जा रहा है और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, और यहाँ पर मौके पर काफी संख्या में गाँव के लोग भी पहुंच चुके हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और पुलिस भी मौके पहुंच चुकी है। जी, जिस हादसे में क्या लापरवाही सामने आई है सतीश? की बता दो, जिस तरह श्रद्धालु अपने जो वहां पर जा रहे थे, बोलेरो ने जिस तरह से बोलेरो आ रही थी, सामने गैस जो है, गैस का जो टैंकर जा रहा था, उसने सामने से एक टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद में जो बोलेरो थी वो पलट गई। पलटने के बाद में उसे नीचे दबने के बाद में जिसके बच्चे की मौत, गंभीर रूप से जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, टैंकर चालक की कोई अपडेट मिल पा रही है? बता दो, जिस तरह से जब एक्सीडेंट हुआ था, टैंकर चालक छोड़कर फरार हो गया, पुलिस मौके पहुंच गई और जांच में जुट गई है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम अहम जानकारी के लिए।